नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। भाई मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ हैं। ओ भाई मैं हूँ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे हैं। माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी अराइव्स एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत कॉमन साइंस है इसको, तो बहुत कॉमन साइंस है। क्या बात है, देखो। अच्छा, ये कौन से हैं? मैडिसन स्क्वायर गार्डन। पब्लिक देखना मोदी से मिलने के लिए। न्यूज़ है मेरे ख्याल में, न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ की कटिंग है। टाइम नाउ। बहुत रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेगा इवेंट लाइव कवरेज मूवी नया मूवी बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल रिस्पेक्ट ये देखा मतलब पब्लिक अच्छी खासी है। कितने सुकून से आराम से है। आप रिलैक्सेशन देखेंगे कि पब्लिक में थोड़ा सा नर्वस है क्या? बिल्कुल बिल्कुल काम। भारत माता की। क्या बात है मोदी जी की भाई। अच्छा मुझे लग रहा है, हाँ मुझे अमेरिका लग रहा है, नहीं मुझे लग रहा है बेहतरीन किस्म के कमेंट्स आने वाले हैं कि आपने पूरी वीडियो पे क्यों नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ वो तो आएंगे, मुझे लग रहा है। पता है उन्होंने जब बोला है वो वीडियो एंड हो गई, मुझे तभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कहेंगे कि आपने बहुत छोटी वीडियो पे रिएक्शन दिया। अच्छा ये हमें मुझे लिंक दिया था किसी ने छोटी, लेकिन इसमें इस वीडियो में तो उनकी स्पीच, इनकी स्पीच तो पूरी नहीं आई। नहीं स्पीच है, लेकिन लेकिन इस वीडियो में मैं अगर थोड़ा सा दो मिनट अगर बात करूँ, इनकी क्या रिस्पेक्ट है, बस किस तरीके से
उनको जोश वलवला आपने एक दफा आप फेस को देख लेते लोगों के, ठीक है ना, जब वो आए ऐसा लग रहा है छलक रही है। अच्छा आपने एक चीज नोट की कि वो जब वो आ रहे हैं लोगों का रश है, वो आ रहे हैं जहाँ से गुजर रहे हैं, तो जिन नहीं नहीं सुने ना, जिन लोगों को दिख रहे हैं उनका शोर, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, जिन लोगों को वो दिखे उनका शोर करीब से, करीब यानी कि हाँ यानी कि जिनके वो करीब से। अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उमड़ने वाले स्टाइल में, मतलब हाथ और मतलब ये प्रॉपर एक जगह के चक्कर में ऐसा प्रॉपर एक हाथ मिला ले, हग कर ले थोड़ा सा, ये प्रॉपर एक रास्ता बनाया हुआ था, लेकिन बाउंड्रीज थी, ठीक है ना। मैं कहता हूँ अगर ये बाउंड्रीज नहीं होती तो शायद पता नहीं टूट पड़ते और पता नहीं वो तो बिल्कुल दीवाने होते। अच्छा ये हो गया, अब वो ऊपर पहुंचे उसका एक अलग शोर उन्होंने जब हाथ लाया, यानी कि एक ऐसा होता है कि यार मतलब दुनिया का कोई ऐसा शख्स हो जिसने पूरी दुनिया पे ऐसा लगता है कोई एहसान किया हो, पूरी दुनिया के लिए कुछ किया हो, क्योंकि इस वक्त हम हमारे सुनने में भी यही आ रहा है कि इंडिया का किरदार पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, ठीक है ना। अगर इंडिया, मैं ही कहती हूँ कि इंडिया इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर फॉर सपोज इंडिया अपनी पूरी एक्सपोर्ट बंद कर दे ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो सर्वाइव ही ना कर पाए। अब आप ये देखें ना कि सिर्फ और सिर्फ इनकी रिस्पेक्ट वहाँ पर, और फिर जब पहुँच गए फिर शोर, फिर जब उन्होंने एक शब्द मुँह से निकाला उसके क्या भारत, उसके बाद जो लोगों का शोर, यानी मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे पहले उनकी अपनी शख्सियत जिस तरह के उनके काम। अच्छा पहला वर्ड भी क्या है, भारत माता की जय, बिल्कुल। उसके बाद जो और सारे लोग मतलब इस तरीके से शोर कर रहे थे कि जैसे मतलब कितने एक्साइटेड होंगे, कितने दिनों से वेट कर रहे होंगे कि मोदी जी आने वाले, मोदी जी आने वाले, कितनी तैयारियां कर रहे होंगे, और आपने देखा गार्डन किस तरीके से सजाया हुआ था, कितना पब्लिक कितनी, और मैं कहता हूँ कि शायद वहाँ पे लोग एक दूसरे के अंदर घुस के खड़े हुए, बिल्कुल, मतलब बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिल धड़ने को जगह ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पर मोदी जी की ये रिस्पेक्ट, मतलब मैं कहता हूँ कि अच्छा एक चीज़ और, कुछ लोग किसी को मानते हैं, कुछ लोग किसी को मानते हैं, कुछ लोग किसी को मानते हैं, तो यहाँ पर अगर सभी लोग एक शख्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको नहीं लगता कि दुनिया जिस शख्स के पीछे मतलब पागल हो। अच्छा मैंने एक वीडियो में सुना था कि मोदी जी दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों में आते हैं, ठीक है, और वाकई ये मोस्ट पावरफुल शख्सियत हैं, इस वीडियो में हमें सबूत मिल गया। और दूसरी बात ये मैंने सुना था कि जो भारत है वो पूरी दुनिया को फैमिली की तरह ट्रीट करता है, बिल्कुल हमने सुना था, ठीक है, पूरा हम मतलब फैमिली मेंबर्स की तरह है, ये जो दूसरे कंट्रीज हैं इनको फैमिली मेंबर्स की तरह समझता है और फैमिली समझता है, देखिए हमारी पूरी दुनिया, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि आगे वाले वक्त में इन फ्यूचर पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हों। जब हमने ये वाली बात की थी कि भारत जो है वो पूरी दुनिया को फैमिली समझता है, और फैमिली ना सिर्फ समझता है बल्कि उसका बिहेवियर भी है, ये चीज़ें कोविड के दिनों में ज़ाहिर हुई हैं, कभी भी दुनिया में कोई मुसीबत हो, मुश्किलात हो, आर्मी के लोग भी पूरी मतलब एक नेटो की फ़ौज जो है वो आर्मी को भेजती है, तो इंडिया की आर्मी भी कई जगहों पर गई, बहुत आगे होता है, ठीक है ना। तो कॉमेंट्स कुछ दो चार आए थे तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ था, लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे कॉमेंट्स आए थे कि हम पाकिस्तान को अपनी फैमिली नहीं समझते, हम पाकिस्तान को अपनी फैमिली, लेकिन दो चार कमेंट ऐसे थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमारी कोशिश या हमारी ख्वाहिश ऐसी है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, देखिए सबसे पहले तो हम एक ही थे, हमारी रूट्स हो गई या हमारी जो इब्तदा है या हमारा आबाओ अजदाद एक साथ रहते थे, तो अब क्यों नहीं रह सकते। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, बोलने को तो बोलने दे, मतलब दो चार कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी क्या कहती है, मैंने मेजॉरिटी को देखा है, हमने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी हैं कि उनकी नेशन पाकिस्तानी नेशन को पसंद करती है, पाकिस्तान को पसंद करती है, हमारी नेशन इंडिया को बहुत पसंद करती है, बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, और दो चार कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है मेजोरिटी का जो कहना है वही माना जाएगा, बिल्कुल। और ये भी है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने देखा है कि जब भी मुश्किल परेशानी आती है ना, चाहे वो भारत पे आए तो सबसे पहले पाकिस्तान हाजिर होता है, और वो पाकिस्तान पे आएगी तो हमें पता है 100% कि इंडिया सबसे पहले हाथ बढ़ाएगा, बिल्कुल, पड़ोसी होने के नाते। और आपको पता है कि जब कोविड के दिनों में जब दूसरी या तीसरी लहर आई थी इंडिया में, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी, तो पाकिस्तान ने नर्सेस भेजने का भी कहा था और बहुत सारे मतलब हर तरीके से हेल्प पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन देखिए इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, अपनी अपनी जगह है, जो भी मामला आते हैं, जो भी चीज़ें, सबसे पहले तो इंसानियत भी तो है ना, सबसे पहले तो यार ह्यूमैनिटी भी तो है ना कि यार। और बड़ी बात ये है कि हमारा मजहब और उनका मजहब दोनों सबसे पहले किसको तरजीह देते हैं, सबसे पहले हर चीज़ में इंसानियत सबसे बेहतर है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत वीडियो जिसमें हमने मोदी जी का इस्तकबाल देखा, हिंदी में क्या कहेंगे आप बताएं ज़रा, मैं
स्वागत स्वागतम स्वागतम नहीं स्वागत स्वागत आपका स्वागत है करेंगे सबका स्वागत आप जो जो नए लोग ऐसे हमारे चैनल को देख रहे हैं उन्हें हमारे चैनल पे स्वागत स्वागत है आपका और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें और स्वागत करते ही साथ ही आज की वीडियो आपका आपका स्वागत हुआ है इस चैनल पे तो हम आपसे क्या करते हैं वो रिक्वेस्ट को वो करते हैं हिंदी हिंदी में क्या कहते हैं रिक्वेस्ट को हम आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़कर कि आप हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स के जरिए इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहा करें दोबारा किसी रूट के साथ आपसे मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।